सो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो मैं फिर से आज आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, देखेंगे। ओके, तो हम जैसे जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें बताया जाता है कि एनर्जी हम बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, तो दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जब हम थर्मोडायनामिक्स में आते हैं तो हम वी फॉर्म सम इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ। तो वो फर्स्ट लॉ के क्या इक्वेशन है, इसमें हम देखेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वी कैन नाइदर बी क्रिएट एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में। ओके, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ हमें यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रोसेस और साइकिल क्या है। प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें सिस्टम मूव होता है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन है, हम देखेंगे। Q इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। इसका सिंपल मीनिंग दोस्तों यही है कि जो कोई हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, उसका यूटिलाइजेशन दो पार्ट में होता है। फर्स्ट तो टू चेंज इंटरनल एनर्जी, और दूसरा यूज क्या होता है उसका, टू डू द वर्क। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा है उसके लिए कुछ तो भी साइन कन्वेंशन है। ओके, ये है साइन कन्वेंशन। इसमें क्यू क्या है, हीट सप्लाई, डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो जैसे मैंने देखा है कि 10th 11th स्टैंडर्ड का जो बुक है बाय CBSE, उसमें ये इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो दोस्तों, ये भी इक्वेशन सही है और हमारा इक्वेशन भी सही है, लेकिन हम मैंने जो इक्वेशन लिखा है, मैंने लिखा है फ्रॉम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैकेनिकल में क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं दोस्तों, और उसका कन्वर्शन किस में करते हैं, हम वर्क में। उसके साथ में भी कुछ हीट का इस्तेमाल किस में हो जाता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इस इक्वेशन के लिए ये साइन कन्वेंशन है दोस्तों। ओके, जो मैं अपने 11th में पढ़ा है CBSE में, उसका साइन कन्वेंशन अलग है। ओके, तो इसमें क्यू पॉजिटिव है अगर हम हीट सिस्टम को सप्लाई करते हैं, अगर क्यू पॉजिटिव है अगर हम हीट सिस्टम को सप्लाई करते हैं। इसमें क्यू निगेटिव लेना है अगर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। क्यू क्या करना है, निगेटिव लेना है अगर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अभी वर्क डन के बारे में देखेंगे, वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर वर्क डन इज बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क आउटपुट दे रहा है तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है तो उसको क्या लेना है, निगेटिव। ओके, तो ये इक्वेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द प्रोसेस वैलिड है फॉर दिस साइन कन्वेंशन दोस्तों। ओके, तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि वो क्या बताता है कि वॉट एवर हीट वी सप्लाई वो यूटिलाइज होता है दो पार्ट में, एक तो वर्क डन करने के लिए और दूसरा पार्ट होता है टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब भी क्या होता है, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ओके, सो ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द प्रोसेस। अभी हमें देखना है कि थर्मोडायनामिक्स
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द साइकिल क्या है? ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द साइकिल क्या बताता है? कि साइक्लिक इंटीग्रल, ओके, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू. तो मैं अनदर लैंग्वेज में लिखता हूं, समेशन ऑफ क्यू, इसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं अलजेब्रिक समेशन, अल जेब्राइक समेशन. ओके, अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन विद साइन. तो समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू फॉर द साइकिल. तो क्या बताता है कि अगर हम समेशन ऑफ क्यू लेते हैं, अलजेब्रिक समेशन ऑफ क्यू ओवर द साइकिल, वो क्या रहता है, इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ डब्ल्यू ओवर द साइकिल. तो उसमें जो साइन कन्वेंशन यूज इस्तेमाल करना है दोस्तों, वही सेम इस्तेमाल करना है. क्यू पॉजिटिव रहेगा अगर हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, क्यू निगेटिव रहेगा इफ द हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, डब्ल्यू पॉजिटिव रहेगा इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. दोस्तों हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या देखते हैं कि अगर वर्क हमें मिल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं. ओके, बिकॉज वी गेट द वर्क, जैसे कि विंड टर्बाइन रन हो रहा है बाय द सिस्टम ऑफ एयर, तो उसमें क्या वर्क मिल रहा है, मीन्स क्या मिल रहा है मुझे, अल्टीमेटली आई एम कनेक्टिंग दैट टू द जनरेटर और मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है. आई कैन सेल द इलेक्ट्रिसिटी एंड आई एम गेटिंग मनी. दैट्स वाई वर्क डन बाय सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव लेते हैं, जैसे कि फैन चला रहे हैं, वो क्या करेगा, इट विल डू द वर्क ऑन द सिस्टम. तो फैन चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी खरीदना पड़ेगा, दैट्स वे इट इज द निगेटिव. तो ऐसा हम वी थिंक हियर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो वर्क डन निगेटिव है अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल. तो अब हम जानेंगे कि इसका लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दोस्तों फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि हम एनर्जी को बना नहीं सकते या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये बोलता है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि किस एक्सटेंट तक हम कन्वर्ट कर पाएंगे. जैसे कि मैंने पॉइंट फोर बताया है कि अगर हम वर्क को कन्वर्ट करते हैं हीट में तो हम कंप्लीटली कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर पाते. दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. सिर्फ बताता है फर्स्ट लॉ कि कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि किस एक्सटेंट तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, इसका मतलब है कि प्रोसेसेस प्रोसीड इन द सर्टेन डायरेक्शन. ओके, बहुत सारे प्रोसेस सर्टेन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होती है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता नहीं है. ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम एयर को हीट कर रहे हैं बाय हीटर बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, लेकिन वो रिवर्स हमें पॉसिबल नहीं है. अगर हम वायर को अगर हीट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा. ओके, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. मैं फिर से बताता हूँ, फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि किस एक्सटेंट तक कन्वर्ट कर पाएंगे. ओके, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया है आज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थैंक यू. प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.